हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स, जूनियर इंजीनियर, रजिस्ट्रार, पीटीआई, लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर भर्तियां हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आप अभी तक अगर हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, मतलब कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्यारे से परिवार का प्यारा सा सदस्य। तो ये रिक्रूटमेंट हो रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी एट कमांड इन हिमाचल प्रदेश, आईआईटी मंडी में ये रिक्रूटमेंट हो रही है। रेगुलर बेस पे आपको यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है और अगर आप हो इंडियन नेशनल मतलब कि भारतीय नागरिक हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 16 रहने वाली है, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार के 3 पद भरे जाएंगे। प्रोजेक्ट इंजीनियर के यहाँ पर 1 पद भरा जाएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद भरे जाएंगे, इसमें 1 पद अनरिजर्व्ड और 1 पद एससी का रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर के यहाँ पर 1 पद भरा जाएगा। स्पोर्ट्स ऑफिसर के यहाँ पर 1 पद भरा जाएगा। मेडिकल ऑफिसर के 2 पद भरे जाएंगे, 1 अनरिजर्व्ड और 1 ओबीसी का यहाँ पर रहने वाला है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल से यहाँ पर 1 पद भरा जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से भी यहाँ पर 1 पद भरा जाएगा। डिप्टी सिक्योरिटी ऑफिसर का यहां पर 1 पद भरा जाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का भी यहां पर 1 पद भरा जाएगा। स्टाफ नर्स का भी 1 पद भरा जाएगा। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी यहां पर 1 पद भरा जाएगा। अगर बात की जाए इन पदों के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट की, तो 7 अक्टूबर 2019 से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर कोई भी फीस नहीं रहेगी। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या क्या रहेगा एजुकेशनल क्राइटेरिया और पे स्केल और इसमें किस तरह का आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो हो चुकी है डाउनलोड, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट यहाँ पर रहेगा डिप्टी रजिस्ट्रार, 3 पद भरे जाने वाले हैं। पे स्केल रहेगा 78,800 रुपीज़। और अगर बात की जाए यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की बात करते हैं, सबसे पहले आपकी जो एज है वो 50 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। और आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कि आपके पास कोई भी पीजी डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और कम से कम 9 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड रिक्रूटमेंट की, जो कि है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। यहाँ 1 पद भरा जाएगा। आपकी मैक्सिमम एज रहेगी 45 ईयर्स। आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है, सिविल या इलेक्ट्रिकल में। और अगर बात करें यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो आपके पास 5 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड एज इंजीनियरिंग। बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 40 ईयर्स। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ और आपके पास 5 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है टेक्निकल ऑफिसर, 1 पद भरा जाएगा। 40 ईयर आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है और आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक आप होने चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी यहां पर रहेगी वो है मेडिकल ऑफिसर, 2 पद भरे जाएंगे। 40 आपकी मैक्सिमम एज रहेगी और आप एमबीबीएस होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 3 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम जो एज रहेगी 35, ये सिविल कैटेगरी से है, ठीक है। तो 35 यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। आपके पास 3 वर्षों का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में और कम से कम 5 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए एज जूनियर इंजीनियर का। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, जो कि है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी 35 और आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्षों का। और अगर बात करें यहाँ पर एक्सपीरियंस की, तो 5 वर्षों का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। नेक्स्ट जो है डिप्टी सिक्योरिटी ऑफिसर, तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी 35 और आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और कम से कम 10 वर्षों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म्ड फोर्स, तो ये आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, मतलब कि पीटीआई, 35 मैक्सिमम एज आपकी रहेगी और यहाँ पर आपकी जो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में और आपके पास 4 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग, ठीक है, कोचिंग एक्सपीरियंस आपके पास 4 वर्षों का होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर रहेगी और आप मैट्रिक पास होने चाहिए और साथ में आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। तो
आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका फिर यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। तो आपको अप्लाई करना है इसके लिए ऑनलाइन, और लिंक आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का डिस्क्रिप्शन में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।